Vlog Planet. Welcome back to another video. तो आज की जो वीडियो है वो बजट ट्यूटोरियल आपको समझ आ गया होगा. आज का एक मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बर्थडे पार्टी और ये गेट रेडी विद मी भी है. तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं अपना लुक. ओके, तो सबसे पहले मैं गार्नियर में सलर वाटर यूज कर रही हूँ टू क्लीन ऑल द डर्ट जो रह गई है. वैसे मैंने फेस वॉश ऑलरेडी करा हुआ है. और ये जो बर्थडे है ये मेरे भांजे और भतीजे, मतलब दोनों ही लगता है वो, तो उसकी बर्थडे वो आज 1 ईयर का हो गया है और आज मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ. प्लीज इग्नोर मेरे, मतलब मुझे कहीं भी जाना होता है ना तो ये पहले आ जाता है. देख रहे हो? ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस फ्यूज बाय रज़िया का फेस सीरम. आमना का पोर फिट प्राइमर जो कि मैं अपनी हर वीडियो में यूज करती हूँ. ऐसा नहीं है कि मेरे पास दूसरा प्राइमर नहीं है, ये मेरा फेवरेट प्राइमर है. फाउंडेशन आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस मिस रोज का फाउंडेशन, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती बिकॉज अगर मैं घर में मेकअप करूँ तो मैं फाउंडेशन जो है ना चेंज कर लेती हूँ, लेकिन जब मुझे बाहर जाना होता है तो आई एम यूजिंग, मैं यही वाला बस यही यूज करती हूँ बिकॉज दिस वॉज माई फेवरेट और ये मेरी स्किन पर बहुत अच्छा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट. और फाउंडेशन के मुकाबले में मैंने बहुत एक्सपेंसिव फाउंडेशन भी यूज करे हैं, बट आई थिंक दिस फाउंडेशन वर्क्स ग्रेट ऑन. और अब इसको मैं ब्लेंड करूंगी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. ओह नो, मैंने कलर पर थूक दी नहीं. ठीक है, खैर मैं बस इधर लगा लेती हूँ, कुछ ज्यादा विजिबल पिंपल है तो इसके ऊपर मैं जो है ना बस ये लगा लेती हूँ ग्रीन वाला. ओके, तो मैंने इसको थोड़ा टाइम दिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करा है बिकॉज जब आप कहीं बाहर जाओ तो फेस जो है ना फ्लॉलेस दिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. बिल्कुल मेरा प्रॉपर फ्लॉलेस तो नहीं दिख रहा बिकॉज ऑफ दिस पिंपल्स, लेकिन वैसे फ्लॉलेस फेस दिख रहा है. नेक पे मैं एंड में लगाऊंगी जब मैं शर्ट पहन लूंगी बिकॉज उसकी नेकलाइन कुछ इस तरह की है तो उसी के अकॉर्डिंगली लगाऊंगी. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं विच इज कंसीलर. और मेरा ताम चपड़ा यहाँ रखा है तो उसे मैं यहाँ से निकालूंगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू यूजिंग दिस मिस रोज का ये छोटू सा, ये भी एक बेस ही है लेकिन मैं इसको एज अ कंसीलर यूज करूंगी बिकॉज जो मेरा फेवरेट कंसीलर है वो जो है ना खत्म हो चुका है और मैंने उसे रिस्टॉक ले लिया. मैंने इसको कंसील तो फाउंडेशन से ही कर दिया था वाले, इसको थोड़ा सा ब्राइटनिंग अप के लिए लगा रही हूँ और हम इसको ब्लेंड कर चुके हैं. ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूजिंग दिस पाउडर. दिस इज फ्रॉम पिंक फ्लैश और ना ये मेरा फेवरेट पाउडर है, लिप पाउडर. और सॉरी, तो इसको जो है ना मैं अपनी अंडर आईज पर लगाऊंगी जस्ट टू बेस इट और फिर अपना आई मेकअप शुरू करते हैं. मैंने ना आईज जो है ना इसी पाउडर की हेल्प से सेट कर ली है. सुला ब्यूटी का पैलेट और इसमें से सबसे पहले मैं एक ब्राउन शेड लूंगी जो कि मैं एक नेचुरल लुक के लिए हमेशा लगाती हूँ.
और पहले मेकअप प्रोडक्ट्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, और बहुत ही नेचुरल मेकअप ही हम इस बार भी रखने वाले हैं बिकॉज बर्थडे पार्टी है शादी में। लोग बहुत टोन मारते बर्थडे पार्टी शादी नहीं है तब तो यार नहीं होना चाहिए भाई, मेरा मेकअप मेरी मर्जी, मैं कितना भी तैयार हूँ। रोस्टिंग बाद में करेंगे किस एक सेपरेट वीडियो में, अभी हम मेकअप पे। तो इसको मैं अपनी क्रीम में लगा के इसी तरह से ब्लेंड करूंगी और मैं इसको इनर तक नहीं लेके जाऊंगी, बस आउटर विथ यही यहीं तक रख करना इसको ब्लेंड कर दूंगी। तो अब जो है ना मैं ये एक शेड ले रही हूँ, ये गोल्डन है इसका, कॉपर इसका शेड है थोड़ा, ये बिल्कुल प्रॉपर जो गोल्डन होता है ना डार्क गोल्डन वैसा नहीं है। अब इसको जो है ना मैं अपनी लिड पर लगा रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही सिंपल और मतलब बहुत इजी लुक है जो हर कोई कर सकता है बहुत आसानी से, और आई थिंक बर्थडे में इतना लाइट मिनिमम मेकअप भी सही लगता है। लाइनर और मैं बहुत सिंपल इजी सा बस एक जो लाइन में लगा रही हूँ, मैं इस तरह से लगाऊंगी, विंग वगैरह नहीं बना रही। और यस नाउ आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द मस्कारा, दिस इज फ्रॉम पिंक फ्लैश और ये मेरा फेवरेट मस्कारा है और ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द मिस रोज का काजल और काजल लगाएंगे आईज में। काजल लगाने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा स्मच किया क्योंकि वो मेरी गलती से थोड़ा फैल गया था, तो मैंने उसको ना स्मच करके एक स्मच लुक बना दिया और अब मेरी आईज आई थिंक अच्छी लग रही है, बाकी आप बताएं। और अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर द 1K सब्सक्राइबर और मेरी दुआ है कि मेरे और जल्दी जल्दी आगे आगे बढ़े, मैं वीडियोज तो बनाती हूँ, मेहनत भी बहुत करती हूँ एंड आप लोग कुछ लोग मुझे का रिजल्ट भी दे रहे हैं और कुछ लोग नहीं दे रहे बट खैर एनीवेज। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक। तो ये बिल्कुल ही एंटी मस्कारा है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है और इससे जो है ना मैं अपनी आईब्रोज को सेट कर रही हूँ बिल्कुल लाइट लाइट, आई थिंक मुझे आईब्रोज अपनी सेट करने की जरूरत नहीं है उससे, तो मैं इसको इसी से ही कर रही हूँ और हल्की हल्की बिल्कुल यही को। ओके तो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस, यस की ब्रांड क्या है, गोल्डन रोज, गोल्डन रोज का फेस पाउडर। और ये फेस पाउडर अच्छा भी है और इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है, मतलब ये मैंने प्याज के आउटलेट से लिया था और मुझे एक्सपेंसिव पड़ा था लेकिन हाँ उस वक्त मुझे ये बहुत पसंद आया था जब उन्होंने यूज करके दिखाया था, लेकिन वही होता है ना जब आप प्रोडक्ट ले रहे हो फिर आप घर आके यूज करो तो कन्फ्यूजन जाती है कि ये सही भी है कि नहीं, लेकिन ठीक था, ये अच्छा था काफी लेकिन उतना भी अच्छा नहीं लगा मुझे, तो ठीक है खैर मैंने अपना फेस सेट कर लिया इससे। ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस ब्यूटी बैग आमना का 10 बॉन ब्राउजर और मुझे अभी याद आया मैं आई शेडो को कितनी बार ब्यूटी बैग आमना का आई शेडो बोल चुकी हूँ जबकि ये हुदा ब्यूटी का था और सब दिमागी काम नहीं कर रहा था। सो नाउ अब मैं अपने फेस को ब्राउन करूंगी इस तरह से, ये थोड़ा ब्राउनजी लुक ही जाएगा क्योंकि हमने आई शेडो में भी ब्राउन टोन भी यूज करी है इस वजह से। ब्लश विच वॉज माई फेवरेट और अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि ये ब्लश मेरा फेवरेट है और अगर नहीं करे तो कर दो फॉलो। ओके
ओके सो नाम करके बैठी हूँ सोडा ब्यूटी का हाइलाइटर और इसमें से मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ। सबसे पहले टिंट ओके सैम गोइंग टू बी यूजिंग दिस लिपस्टिक और इसकी ब्रांड का मुझे नहीं पता, ये बहुत ही पुरानी लिपस्टिक है लेकिन मुझे ये शेड बहुत ज्यादा पसंद है इसका। ओके गाइस तो अब मैं आप लोगों को अपना पूरा लुक दिखाती हूँ।